जी, तो आज हम तैयार कर रहे हैं नलियाँ और इसमें डालेंगे गोश्त। ये बड़ा गोश्त है, बड़ा बोलते हैं, ठीक है, बीफ है ये। सबसे पहले इसमें इसके कुकर के अंदर नीचे टमाटर, प्याज और ये जो नलियाँ हम लेके आए हैं ना, इनको तरतीब से लगा लें नीचे, ठीक है। स्टेप बाई स्टेप आपको आज बताते हैं। ये पावर वाली चीज़ें कैसे तैयार होती हैं। और ये गई थी थर्ड। ये देखें इसके अंदर क्या मज़े वाली चीज़ है, बिल्कुल फुल है, खाली नहीं है ये। आप लेने से पहले अच्छी तरह तसल्ली करके लिया करें, ठीक है। ये अभी चारों नलियाँ और ये हमने 1 किलो बीफ लिया है बोनलेस, और इसको इसके अंदर ही ऐसे ऊपर डाल देंगे, ठीक है। ये मैंने वॉश कर लिया है सारा, इसको इसके अंदर ही ऐसे डाल देंगे। और इसके अंदर आपने ऑयल नहीं डालना, थोड़ा सा पानी डालना है, ठीक है। 3 से 4 प्याज डालने हैं, 2 आलू सा डाल दिए हैं, थोम नीचे डाल दिए है, और इसको भी रखते हैं ऊपर। प्रॉब्लम हो रही है, ये गया ऊपर, ठीक है। देखें माशाल्लाह, तो बाहर भी पकड़ना प्रॉब्लम। तो इसके बाद को बंद करके बाद में मेरी फ्लेम हो गई इसकी ऑन, और इसमें हमने पानी डाल दिया तकरीबन 3 लीटर, ठीक है। मैं नलियाँ तकरीबन इसमें डिप कर दी हैं, और इसमें अब जाएंगे मसाला जात। पकड़ें इसको, ओके। पकड़ने में रोज भी नहीं है यार इसमें, ठीक है। सबसे पहले ये सुरख मिर्च, जायका, ठीक है। उसके बाद पिसा हुआ धनिया, एक चम्मच, 2 चम्मच, 3 चम्मच। उसके बाद जाएगी इसमें हल्दी, नीचे लगेगी, 1 चम्मच ही काफ़ी है हल्दी, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल इजी स्टेप है, इजी हर चीज़ है। इसमें जाएगी 2 अदद सब्ज़ इलायची, और ये सेकंड में जाएगा इलायची के बाद दालचीनी, इलायची, ठीक है। ये गई दालचीनी इलायची, उसके बाद इसमें जाएंगे 2-3 लौंग, जाएगी आखिर में लास्ट में एक बड़ी इलायची। ये होगा टोटल मसाला जहाँ नमक रह गया है, लास्ट में इसमें जाएगा नमक। नमक हम डालेंगे लकड़ी के चमचे पर। ये जो कुकर है, इट्स कॉल्ड कुकर, इसको ये क्या बोलते हैं यार, ना लोहे का ना स्टील का, ये ग्रेनाइट बोलते हैं आई थिंक जी, ये ग्रेनाइट का है। ये नमक डालते हैं हसबे जायका, इसमें नमक थोड़ा ज़्यादा ही जाएगा,
यखनी वगैरह बनानी है तो ये थोड़ा कम लग रहा है। तो ये गया नमक, इसको सारे को कर लें अच्छी तरह से मिक्स। ठीक है, ये मीट को नीचे कर दें तो थोड़ा हिला लें ताकि ये हड्डियाँ वगैरह डिप हो जाएं इसमें। जी ये हो गई डिप इसमें। ठीक है, अदरक हमने दो टुकड़े करके डाल लिए। तो ये आ गया इसका कुकर का कवर। ये डिफरेंट कुकर है ओमान में, ये ज़्यादा ओमानी यूज़ करते हैं। खोलना बंद करना ये बहुत इजी है। ठीक है, ये इट्स वेरी सिंपल, इसका कोई रॉकेट साइंस नहीं है। वो दूसरा खोलें बंद करें रबड़ ख़राब, ये लेडीज़ को यूज़ करने में बड़ी आसानी है। इसको ऐसे लॉक करें, ऐसे ही सही था ना यार। ठीक है, इसको ऐसे लॉक करें, ये हो गया लॉक, और इसके बाद इसको टाइट कर दें। ठीक है, ये हो गया बिल्कुल अभी बंद, लेकिन हमने पहले बंद कर दिया। इसको थोड़ा बॉयल आएगा, बॉयल आने के बाद हम इसको बंद करेंगे और मिलते हैं ठीक 25 मिनट बाद।